हेलो फ्रेंड्स, मैं मिस्टर विष्णु स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सनराइज प्रोडक्शन में। आज हम अटेम्प्ट करने जा रहे हैं हरियाणा की नदियां भाग दो। जैसा रिस्पांस आपने हरियाणा की नदियां भाग एक में दिखाया था, उम्मीद है आप भाग दो को भी वैसे ही पसंद करोगे। चलो टेस्ट स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न डाले गए हैं नदियों से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 1 है, घग्गर नदी से जोया नामक एक नाला जो कि फतेहाबाद जिले तथा पंजाब राज्य के भटिंडा जिले से होता हुआ हरियाणा के खालिस्तान जिले में पहुंचकर पुनः घग्गर नदी में मिल जाता है। तो ये जो आपका जिला है हरियाणा का, हिसार, सिरसा, जींद और करनाल, इनमें से आपको इसको सिलेक्ट करना है। तो ये है आपका सिरसा जिला, यानी जो जोया नाला है वो आपके हरियाणा में पहुंचने के बाद सिरसा जो आपका जिला है घग्गर नदी में मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सिरसा जिले के किस स्थान पर घग्गर नदी पर एक बांध विराज बनाया गया है जहां से सिंचाई हेतु नहरें निकाली गई हैं? ओटू, नैली, ओमला और सनीसा। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाता है ओटू नामक स्थान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वीडियो अच्छी लग रही है तो साथ साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। निम्न में से किस जिले में घग्गर नदी नहीं बहती है, यानी आपको इन जिलों में से वो जिला बताना है जिसमें घग्गर नदी नहीं बहती है। सिरसा, पंचकुला, कैथल और यमुनानगर। यस, आपका आंसर होता है यमुनानगर। यमुनानगर में घग्गर नदी नहीं बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश की धरतीधर नामक पहाड़ियों के दक्षिण ढाल से कौन सी नदी निकलती है? ऑप्शन 1 घग्गर नदी, 2 मारकंडा नदी, 3 यमुना नदी, 4 सरस्वती नदी। चूज द राइट वन। तो आपका राइट आंसर हो जाता है मारकंडा नदी। मारकंडा नदी जो है वो दक्षिण ढाल से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में डगसाई नामक स्थान से कौन सी नदी निकलती है? फर्स्ट ऑप्शन मारकंडा नदी, सेकंड सरस्वती नदी, थर्ड यमुना नदी, फोर्थ घग्गर नदी। तो ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, यहाँ से आपका 101% HSC के एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाता है घग्गर नदी। घग्गर नदी जो है वो निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मारकंडा तथा सरस्वती नदी किस झील में मिलती है, यानी ये आपको बताना है कि मारकंडा और जो सरस्वती नदी है किस झील में जाकर मिल जाती है। ऑप्शन 1 है सनीसा झील, ऑप्शन 2 सुखना झील, 3 सोनसर झील, 4 इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाता है सनीसा झील, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है, यानी आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सी नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन 1 साहिबी नदी, यमुना नदी, मारकंडा नदी और इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है मारकंडा नदी मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, रण बैगना तथा नक्टी किस नदी की सहायक नदियां हैं? ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी टाइम एग्जाम में आया हुआ है। तो इसमें ऑप्शन है घग्गर नदी, मारकंडा नदी, यमुना नदी और लास्ट है सरस्वती नदी। चूज द राइट वन। तो राइट वन है आपका मारकंडा नदी। तो ये जो तीनों नदियां हैं ये मारकंडा नदी की सहायक नदी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बलियाली तथा आमरी किस नदी की सहायक नदियां हैं? जैसे आपने हरियाणा की नदियां भाग एक में अच्छे से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया है, उम्मीद है इसको भी आप सब्सक्राइब करोगे। तो यहाँ बलियाली और आमरी मारकंडा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, किस
नदी का जो पाट है स्थाई है, यानी कहने का रास्ता है कि जो इसका रास्ता है वो स्थाई है, ये हमें उस नदी को सिलेक्ट करना है। राक्षी नदी, मारकंडा नदी, यमुना नदी और लास्ट है सरस्वती नदी। तो यहाँ जो आपके पास ऑप्शन जो फर्स्ट है यानी राक्षी नदी, राक्षी नदी का जो पार्ट है वो स्थाई है। स्थाई का मतलब है ये इसी रास्ते से बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी बरसाती नदी नहीं है, यानी यहाँ आपको बताना कि बरसाती नदी नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास मारकंडा नदी, राक्षी नदी, घगर नदी और इंदौरी नदी। तो यहाँ जो वीडियो का जो भाग वन था उसमें आपने क्या रीड किया था, जो नदी दक्षिण ढाल में है, यानी कौन सी नदी दक्षिण ढाल में, इंदौरी नदी। तो ये नदी जो है बरसाती नदी नहीं है। सेकंड लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बारह मासी बहने वाली नदी है, यानी आपको वो नदी बतानी है जो पूरे वर्ष बहती है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।